गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीजन। रीजन पृथ्वी की सतह पर एक क्षेत्र है जो कुछ घटना के औपचारिक, कार्यात्मक या अवधारणात्मक समरूपता की डिग्री द्वारा चिन्हित होता है। रीजन तीन प्रकार के होते हैं, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन और वर्नाकुलर रीजन। सबसे पहला रीजन है फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन फैक्ट्स पर आधारित होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि उसका क्या अस्तित्व है। हम किसी भी तथ्य या फैक्ट्स को प्रमाणित करने के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन द्वारा हम फैक्ट्स को प्रूव करते हैं। इस विश्व के मैप में विभिन्न क्लाइमेटिक रीजन्स को दर्शाया गया है। क्लाइमेटिक रीजन्स का निर्धारण वहाँ के तापमान तथा रेनफॉल द्वारा किया जाता है। ये डेटा कलेक्शन करने के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे क्षेत्रों का तापमान और रेनफॉल समान है। उसी आधार पर हमने पूरे विश्व को उनकी एकरूपता के अनुसार विभिन्न क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा है। इस मैप में विभिन्न माउंटेन रीजन्स को दर्शाया गया है। इन माउंटेन रीजन्स को एक साथ दर्शाने का कारण यह है इनकी बनावट। ये सब एक जैसे बने हैं, इनकी बनने की प्रक्रिया बिल्कुल समान है और इन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्षेत्र का दूसरा प्रकार है फंक्शनल रीजन या कार्यात्मक क्षेत्र। कार्यात्मक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनका हम किसी न किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्यात्मक क्षेत्र का एक केंद्र होता है जो एक प्रमुख कार्य करता है और वो अपने आसपास के क्षेत्रों से संबंधित होता है। ये क्षेत्र एक दूसरे से अच्छी तरह यातायात सुविधा द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस मैप में देखते हैं, इस मैप में पावर सप्लाई करने वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में एक क्षेत्र मुख्य होता है जो बिजली की सप्लाई करता है और वो अपने आसपास के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई करता है। तो एक पावर सप्लाई केंद्र होगा जो निर्धारित क्षेत्र में उपस्थित होगा और उसकी क्षमता के अनुसार वो अपने आसपास के क्षेत्रों को पावर सप्लाई करेगा। तीसरे प्रकार का क्षेत्र है अप्रत्याशित क्षेत्र। इन क्षेत्रों का सीमांकन एक आम राय के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और ये तथ्यों पर भी आधारित नहीं होते। ये मैप दुनिया के रिच पॉपुलेशन को दर्शाता है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दुनिया के किन क्षेत्रों में कितने अधिक धनी लोग रहते हैं, लेकिन ये मैप आम राय के आधार पर बनाई गई है। मतलब लोगों की क्या राय है उनके हिसाब से इस मैप को तैयार किया गया है। ये दूसरा मैप यह दर्शाता है कि दुनिया में कहां पर सबसे अधिक मोटे लोग पाए जाते हैं। ये भी आम राय या आम जनता की अपनी सोच के आधार पर इस मैप को तैयार किया गया है। इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ आम राय के आधार पर इस मैप को तैयार किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र को हम उनके तथ्यों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर और लोगों की आम राय के आधार पर हम बांट सकते हैं।